हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज है व्रत और व्रत में बनाएंगे हम कूटू के पराठे। उसके लिए हमने लिया कूटू का आटा और अपना आलू मैश कर लिया है। आलू बेसिकली कद्दूकस किया मैंने तो, और थोड़ी सी लौकी भी कद्दूकस कर ली है। दो हरी मिर्च उसमें काट के मिला देंगे। हरी मिर्च के बाद थोड़ा सा जीरा टेस्ट के लिए इसमें डाल देंगे। अगर नहीं अच्छा लगता तो मत डालना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर सेंधा नमक जाएगा और मैंने देखा काली मिर्च नहीं है, तो उसकी जगह हमने ली दखनी मिर्च। दखनी मिर्च थी साबुत, तो उसे किया कटोरी में। अब कूटेंगे और कूट के छलनी से छान देंगे, जिससे कि जो पतली पतली मिर्च निकलेगी वो हम अपने पेस्ट में मिला देंगे। और ये हमने अपनी काली मिर्च पेस्ट पे डाल दी है। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक और ये हमारा पेस्ट हो गया तैयार। अब पेस्ट में डालेंगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी और इसे मिलाएंगे धीरे धीरे। सारे आटे को अच्छे से पूरा एक बढ़िया मिक्सचर बना लेंगे। थोड़ा और पानी अभी ज़रूरत पड़ेगी हमें, जब तक ये पूरा गीला एक तरह का लिक्विड ना बन जाए, मतलब तब तक इसमें पानी ऐड करते रहेंगे। ये देखिए काफ़ी बढ़िया हो गया ये। अभी थोड़ा सा और पानी और चलाना खूब अच्छे से, कोई गुठली वुठली ना रह जाए इसके अंदर ना। अब ये देखो ये बढ़िया हो गया बिल्कुल, और थोड़ा सा पानी और डाल के बहुत शानदार। अब देखो बिल्कुल एकदम बढ़िया एक अलग ही फ्लो बन गया है। तो पहले एक टेस्टर ट्राई करेंगे अपने तवे पे। हमने तवा रख दिया अभी धो के, थोड़ा सा लगाया घी झेड़ पेड़, और अब इस पर फैलाएंगे अपना बढ़िया सा कूटू का पराठा। तो ये फैल गया है सही से, मुझे तो सही लग रहा है यार फैल के। मैं भी हिला विला के देख रहा हूँ थोड़ा पक जाए, कि टूट वूट तो नहीं रहा है ना, उसकी ज़्यादा दिक्कत है। थोड़ा सा घी भी लगा दिया है और इसे अब कवर कर दिया है, जिससे कि स्टीम से भी थोड़ा सिक जाए अच्छे से। ये वैसे बढ़िया सिक गया है, थोड़ा हिला के देखते हैं क्या स्थिति चल रही है। और अभी एक बार इसे चिपक रहा है थोड़ा सा, तो ऐसे ही उछाल के पलट देंगे, देखते हैं उछाल के हमसे पलट पाता है कि नहीं। अरे पलट तो गया, थोड़ा सा टेढ़ा रह गया, कोई नहीं उसे सीधा कर दिया मैंने। जब तक ये पक रहा है मैंने अपना दही तैयार कर लिया, इसमें भी थोड़ी दखनी मिर्च नमक और हल्की सी लाल मिर्च डाल दिए। और ये देखो हमारा टेस्टर कितना बढ़िया तैयार हो गया है। तो हम अपना बनाना शुरू करेंगे। अब इसके लिए हमने स्टैंडर्ड वही घी लगाया, बढ़िया मिक्स डाला, और मिक्स को इवनली आपको स्प्रेड कर लेना है, बस ये बात ध्यान रखनी है। बाकी काम तो नॉन स्टिक तवा और हल्का सा घी उसके नीचे लगा वो कर देगा, क्योंकि टूट नहीं रहे हैं, कवर करके रखा हमने थोड़ी देर के लिए। बस सेकने में एक बात ध्यान रखनी है कि धीमी आंच पे सेकना है। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है, अरे वाह। बस थोड़ी देर इसे उल्टा करके सेक देंगे और फिर खाने के लिए तैयार। और आप देखो फिर एक बार दही से परोस के मज़ा ही आ जाएगा। और थोड़ा थोड़ा घी लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सेहत के लिए हेल्दी और टेस्ट में भी अच्छा होना चाहिए। तो ये देखो हमारा बढ़िया सा चीला तैयार हो गया, अब इसे दही के साथ सर्व कर देंगे। तो ये दही निकाल दी हमने एक अलग से कटोरी में अपने लिए प्लेट में, और ये उसमें रखेंगे और फिर टेस्ट करके देखेंगे। भगवान जी का भोग लगाया था तो थोड़ी तुलसी जी डाल दी, और ये हमारा कूटू का पराठा और दही का नाश्ता तैयार। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।